नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप जी न्यूज देख रहे हैं। 6 राज्यों की 25 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और अब नतीजों का इंतजार है। अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे से सभी राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हालांकि बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव अहम है, जहां 8 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है, लेकिन 10वीं सीट पर स्थिति अभी साफ नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक अनिल सिंह और निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा ने बीजेपी को वोट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक नितिन अग्रवाल और निर्दलीय विधायक अमर मणि त्रिपाठी ने दावा किया है कि बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत जाएंगे। माना जा रहा है कि उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी हर हाल में राज्यसभा की रेस में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को पीछे छोड़ना चाहती है। क्रॉस वोटिंग से साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने बुआ बबुआ का गणित बिगाड़ दिया है। खबर पर रिपोर्टर की मौजूदगी है, गवाह और एक्सपर्ट्स के बयान हैं। खबर तकनीकी रूप से पूरी तरीके से प्रमाणिक भी है। ये 4 बजे पता चलेगा कि किसको वोट मैंने किया है, और मैं महाराज जी के साथ हूँ। आपको बता दिया मैंने, आगे भी बता रहा हूँ, फिर भी बताऊँगा, फिर शाम को फिर मिलेंगे, फिर बताऊँगा। उनकी साफ सुथरी छवि है, और बाकी फिर मिलेंगे फिर बताएंगे। कहे की नाराजगी? कोई नाराजगी होती क्या? किसी से नाराजगी नहीं होती, जिसका जो मन करता वो करता, वो करना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी ने ये संदेश दे दिया कि अब उन्हें राजनीतिक लोगों की आवश्यकता नहीं है, और उन्हें ज़रूरत है जो समाज में समाज का मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन उनकी ही ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ऐसे दल में नहीं रहेगा जहाँ पे उसका अपमान किया जाए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सम्मान हमें दिया है, जो जिस तरीके से उन्होंने हमें अपनाया है, मैं आज ये प्रण लेता हूँ कि आने वाले चुनाव में अगर पार्टी हमें आदेश देगी तो उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के बीच में जाके प्रचार करूंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से पूर्ववत की सरकार बनी। एक ही हिंदुस्तान में पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो गरीबों का कमजोरों की मदद कर रही है। प्रदेश हित में, देश हित में, देश की अखंडता के लिए श्री मोदी जी और योगी जी को विश्वास करके हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का नवा कैंडिडेट जीतेगा? 100% जीतना चाहिए। जो महाराज जी के आदेशों का, उसका हम पालन करेंगे। महाराज जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं। महाराज जी ने हमें बच्चे पर से पाला है, तबड़ा किया है, यहाँ तक भेजने में हमारी बहुत मदद की है। महाराज जी के आदेश का पालन तो हरदम करेंगे। महाराज जी के 1 साल की कार्यशैली को देखते हुए मैं ही नहीं, तमाम ऐसे अन्य विधायक हैं जो महाराज जी की कार्यशैली इस कार्यकाल में उनसे प्रसन्न होकर उनके हाथों को मजबूत करने जा रहे हैं और 9 के 9 प्रत्याशियों को जिताने जा रहे हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमिता पारुल लखनऊ से हमारे साथ हैं और रविंद्र कुमार दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। अमिता, सबसे पहले आप बता दीजिए कि वोटिंग तो खत्म हो गई, अब क्या खबर मिल रही है 10वीं सीट के लिए, कौन आगे कौन पीछे? बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और 5 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अगर अभी तक हम आंकड़ों की बात करें तो बीएसपी के जो कैंडिडेट थे भीमराव अंबेडकर, उनको समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और आरएलडी का भी सपोर्ट था, और अगर इन सबके हम वोट मिला लें तो करीब 33 वोट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी को के वोटों को 28 वोटों को जोड़ें और जो निर्दलीय विधायकों के अलावा बीएसपी और समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग हुई है उसको देखें तो इनके 32 वोट हो रहे हैं। लेकिन जो राजा भैया का वोट था वो कहां गया है, और उनके कहने पर दो और विधायकों ने, राकेश सिंह और विनोद सरोज ने भी वोट किया है, क्योंकि राजा भैया का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैं जिसको कहूंगा उसको ये दोनों वोट करेंगे। तो जाहिर है कि राजा भैया जब वोट करने आए हैं विधानसभा में, उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले हैं, और क्योंकि वो निर्दलीय विधायक हैं तो उनका वोट कोई देख नहीं सकता है। उसके साथ ही विनोद सरोज जो उनके कहने पर वोट करेंगे, जैसा वो खुद कह रहे थे, उन्होंने
किसको वोट किया, ये बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी तरफ राकेश सिंह वैसे तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो खुद भी पोलिंग एजेंट थे, तो उनका वोट भी किसी ने नहीं देखा है। तो जाहिर है कि ये जो 3 से 4 वोट बाद में पड़े हैं, ये किसको पड़े हैं, इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। राजा भैया हालांकि ये कह तो रहे थे कि उनका वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा, लेकिन क्या दूसरी वरीयता का वोट जो सेकंड प्रेफरेंस वाला होता है वो उन्होंने दिया है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक विधायक 2 लोगों को वोट कर सकता है या सिर्फ सपा के कैंडिडेट को दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो देखने वाली होंगी। जो है वो तय कर सकते हैं कि दरअसल 10वीं सीट पर जीत किसकी होने वाली है। रविंद्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जरा दिल्ली से क्या अपडेट है वो भी बताइए। देखिए, यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद पैनी नज़र रखे हुए हैं। दिल्ली से जो बड़े नेता हैं पार्टी के, वो लगातार लखनऊ में, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या दूसरे जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनसे कांटेक्ट में और काफ़ी आश्वस्त हैं। जैसा कि पहले भी हम लोग आपस में बातचीत करते हुए बताए थे कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने साफ तौर पर कहा कि हमें अरुण जेटली से भी 3 वोट ज़्यादा आएगा 10वें कैंडिडेट अनिल अग्रवाल को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के विषाद जो बिछा हुआ उस पर वो सक्सेस होते दिख रहे हैं अपने हिसाब से। जैसा कि पारुल ने बताया, राजा भैया का केस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर सपा को वोट दिया लेकिन बसपा को नहीं, जैसा कि उन्होंने ट्वीट भी किया था और बयान भी दिया कि सपा के साथ है लेकिन बसपा के साथ नहीं, ये साफ तौर पर उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो घिरते हुए दिख रहे हैं। जी राजकुमार जी, क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर 100% हमारा प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर चुनाव जीत रहे हैं और अभी काउंटिंग शुरू होगी, रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश राज्यसभा के चुनाव में जो किया है उसे भी देश देख रहा है। जब इनके पास 28 वोट थे, 28 वोट के बल पर 9वां कैंडिडेट उतारना, सीधे सीधे इन्हें इस चुनाव को मंडी में तब्दील करना था। धन के बल पे और सत्ता बल पे इन्हें वोट खरीदने थे। तो ये प्रयास बीजेपी ने किए हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति जो एक राजनीतिक सुस्ता की दुहाई देती है, जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है और जो ईमानदारी के ढोल पीटती है, ईमानदारी का ठेका लेती है, वो पार्टी कितने नीचे गिर सकती है एक सीट जीतने के लिए, ये भी पूरे देश ने देखा है। लेकिन सर देख तो लोग ये भी रहे हैं कि किस तरीके से बीएसपी के नेता जाकर, विधायक जाकर वोट कर देते हैं बीजेपी को, कहते भी खुले तौर पर किस तरह नहीं करते, कैसे कैसे वो खरीदे गए होंगे, क्या क्या प्रलोभन उन्हें दिए गए होंगे, क्या क्या दबाव दिए गए होंगे, किस तरह डराया गया होगा, सत्ता का लालच दिया गया होगा, कोई ऐसी जाके नहीं कर देता है। हमारे पास तो पर्याप्त 37 ये बात तो दूसरी पार्टियों पर भी अप्लाई होती है ना। देखिए, हमने 37 वोट के आधार पर कैंडिडेट खड़ा किया, बसपा के कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, RLD का समर्थन था, हमारे सबके मिलकर 37 वोट बैठ रहे थे। बीजेपी ने खरीद फरोख्त शुरू की, उनके पास 28 वोट थे, उन्होंने 28 वोट के आधार पर कैंडिडेट खड़ा किया, 9 वोट उन्हें चाहिए थे और, तो उन्होंने तय किया कि 9 वोट हम खरीद लेंगे। आप कह रहे हैं कि आपके विधायक बिक गए? बिल्कुल निश्चित तौर पर, कोई और क्या वजह हो सकती है आप बताइए। कितने विधायक आपके बिक गए? नहीं, हमारा कोई विधायक नहीं बिका, जो बिका है वो खुलेआम बिका है। एक विधायक नितिन अग्रवाल गए हैं, जो नितिन अग्रवाल एक सप्ताह पहले तक माननीय प्रधानमंत्री का नाम लेकर गाली दे रहे थे, जिन्हें हमारे नेता ने भी डांटा कि इस तरह की अभद्र भाषा मत बोलिए, उन नरेश अग्रवाल को बीजेपी ने कैसे सिर माथे पर बैठा लिया, जो राम के लिए लोकसभा में कह रहे थे, राज्यसभा में कह रहे थे कि विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम और ठर्रे में हनुमान, उन नरेश अग्रवाल को कि एक वोट के लिए राज्यसभा चुनाव में एक विधायक की वोट प्राप्त करने के लिए इतना बीजेपी नीचे गिर सकती है नैतिक तौर पर एक सीट के लिए? सवाल ये है। अमिता पारुल, अब समाजवादी पार्टी के नेता तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त की वजह से विधायक टूटे हैं, हालांकि वो ये नहीं मान रहे कि उनके कितने विधायक खरीद लिए गए हैं या टूट गए हैं। नहीं, लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं, मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ, चुनाव जीत रहे हैं 100%, चुनाव नहीं हारे हैं हम। दोनों सीट पर जीतेंगे या एक सीट पर? दोनों से एक सीट तो हमारी है ही है, भीमराव अंबेडकर भी चुनाव जीत रहे हैं। अगर एक वोट फालतू मिलेगा उन्हें, जितनी वोट चाहिए, 36 वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए, 37 वोट मिलेंगे उन्हें। बीजेपी का दावा क्या है अमिता? देखिए, बीजेपी तो शुरू से ये दावा कर रही है कि उनका नवा कैंडिडेट जीतेगा और इसीलिए उन्होंने उसको मैदान में उतारा है। जाहिर बात यह है कि जिस तरह से 2 लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी हारी है, बीजेपी का ये प्रयास था, ये कोशिश थी कि इस चुनाव में अपनी वो ताकत दिखाए, और अगर बीजेपी अपना नवा कैंडिडेट ना उतारती मैदान में तो जाहिर है कि चुनाव की स्थिति भी ना आती, क्योंकि 8 कैंडिडेट बीजेपी के होते और 1 समाजवादी पार्टी और 1 BSP का और 10 ही सीटें खाली हो रही थी। तो जाहिर है कि नवा कैंडिडेट खड़ा करके
बीजेपी बार बार ये कह रही है कि चुनाव की स्थिति उन्होंने पैदा की है, और सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि वो ये लगातार दावे भी कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वोटों का गणित सामने आ रहा है, अभी तक जो खुले तौर पर वोट पड़े हैं उसमें करीब 33 वोट बीएसपी और समर्थक जो दल हैं उनके कैंडिडेट भीमराव अंबेडकर के पाले में दिख रहे हैं हमें, और 32 वोट सीधे सीधे बीजेपी के हैं। लेकिन उसके अलावा जो 10वीं सीट का जो पेच ये फंसा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात यही होगी कि बीजेपी की कोशिश ये थी कि जो सेकेंड प्रेफरेंस के वोट पड़ रहे हैं वो ज़्यादा उसके पास वैसे भी हैं, और जो पहली प्राथमिकता के वोट डाले गए हैं उसको कैसे कम किया जाए। आपने देखा कि एक समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम और एक बीएसपी के विधायक मुख्तार अंसारी वो वोट डालने ही नहीं आ पाए, वो जेल में हैं। तो जाहिर बात है कि यही वजह है कि तमाम जो विरोधी दल हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया कि उनके जो पहली प्राथमिका के वोट हैं वो कम हो जाएं। तो इसीलिए ठीक है, अमिता पारुल हमारे साथ रामदत्त त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है आपका। सर आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो 10वीं सीट की लड़ाई है, 10 का दम दिखाने की लड़ाई है, अब क्योंकि वोटिंग हो चुका है तो इसके बाद कौन आगे कौन पीछे नजर आ रहा है? देखिए हम गए थे वहां मतदान केंद्र पर, और वहां पर तो दोनों पक्ष आशान्वित हैं। और देखिए जो जैसा कि बता रही थी अमिता जी, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोट हैं विधायकों के वो तो खुले हैं क्योंकि उनको दिखा के देना था, या कुछ लोग रिबेल हो गए। जो निर्दलीय हैं जिनका मतदान गुप्त था दो चार लोगों का, हमको लगता है कि उन्हीं के मतदान पर परिणाम निर्भर करेगा। और ये जो आखिरी सीट है उसी पे कसमकश है, उसी पे कसमकश है, और दोनों पक्ष आश्वासित है क्योंकि ये, और ये बहुत मामूली अंतर से होना है, ये काफ़ी टेक्निकल चुनाव है, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ये सब इस तरह से काउंटिंग होती है। तो सेकंड प्रेफरेंस के वोट जो 10वें कैंडिडेट 8वें कैंडिडेट को ज्यादा मिलेंगे जिसको, वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, इस बीच राजा भैया क्योंकि योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करके आए हैं, तो अब एक संशय की जो स्थिति थी और उसको हवा मिलने लगी है क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, उसके बाद नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प चुनाव जिस पर हमारी नजर है, तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में राज्यसभा के लिए वोटिंग हो चुकी है, कुछ ही देर में अब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, नतीजे आ जाएंगे। मेरे साथ रामदत्त त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। सर आप अगर सिचुएशन ऐसी भी है रामदत्त त्रिपाठी जी कि एसपी और बीएसपी को अपने दोनों उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को जिताना है, तो आपको क्या लगता है कि जया बच्चन ड्रॉप होंगी या भीमराव अंबेडकर? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये सवाल नहीं उठता है। अच्छा। मायावती जी ने समाजवादी पार्टी से ये कहा था कि आप अपने सरप्लस वोट हमें दीजिए, तो यानी माया जो समाजवादी पार्टी है वो अपने फर्स्ट प्रेफरेंस के 37 वोट जया बच्चन को देने के बाद जो वोट बचते हैं वो उन्होंने बीएसपी को प्रॉमिस किए हैं, तो उसमें तो कोई दुविधा नहीं है। अब जो बीएसपी को समाजवादी पार्टी ने दिए हैं, प्लस कांग्रेस ने दिए हैं, प्लस कुछ निर्दलीय ने दिए हैं, और जो बीएसपी के हैं उनको मिला के उसमें कुछ सेंध लगाई है बीजेपी ने, इसलिए ये आशंका है कि वो नहीं जीतेंगे। जया बच्चन में कोई वो नहीं है, वो तो ये एग्रीमेंट ही यही हुआ था कि अपने कैंडिडेट को जिताने के बाद जो सरप्लस है वो हमें देना है। ठीक है, तो मतलब समाजवादी पार्टी से जया बच्चन तो राज्यसभा जा रही हैं, ये तय है आप जैसा कह रहे हैं, लेकिन अब एक सीट बीएसपी के भीमराव अंबेडकर या फिर बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा पहुंचेंगे, उसको लेकर लड़ाई है। लेकिन कुछ ही देर में नतीजे भी आ जाएंगे, और आज दिन भर जो हलचल रही है उस पर आज शाम को नतीजा आने वाला है, हमें भी इंतजार है। आप तक सबसे पहले खबर पहुंचाएंगे, हर अपडेट